हमारे हिंदुस्तान के तमाम आए हुए नारी बीटीएससी की तरफ से 10,700 पदों के लिए वैकेंसी निकला था नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, और यहां पे जॉब का वादा देकर जॉब नहीं दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो वापस से एग्जाम करने की बात करें, कुछ फ्रेशर्स भी हैं और कुछ यहां पे स्टाफ भी हैं, हम इनसे जुड़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दा है जिसकी वजह से आए हुए हैं। क्या कारण है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं आप? बस हम लोग का कहना है कि हम लोग अभी 10 मंथ से हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, काउंसलिंग का डेट अभी तक आया नहीं, स्क्रूटनी में नवा चुका है लेकिन काउंसलिंग का अभी कोई सुनवाई नहीं, कब तक काउंसलिंग होगा? तो हमारी मांगे बस पूरी की जाए, सरकार जो वादा किया है वादा पूरा करे। जॉब देने की बात की गई और जॉब नहीं मिली? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। काउंसलिंग का डेट मतलब फरवरी से ही अगले मंथ करते करते अभी अक्टूबर मंथ आ गया। डेट बाई डेट चेंज ही करता जा रहा है ना, कभी अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो कब तक इंतजार करें? लास्ट मोमेंट पे ये सुनने को मिल रहा है कि अब एग्जाम होगा, तो सरकार को एक साल बाद सुनने को मतलब कान में सुनाई दे रही है कि एग्जाम होगा। तो हम लोग का मांग यही है कि कुछ भी हो बस प्रोसेस आगे किया जाए इसका। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, और साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। एक साल का जो बात किया गया था कि जॉब देंगे लेकिन जॉब नहीं दिया गया, जिसके विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए क्या कुछ कारण है? हम लोग को नियमित करना है, संविदा कर्मी पर हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग को नियमित करना है। ऑनलाइन मतलब वैकेंसी निकला था उसमें अप्लाई भी ऑनलाइन कर लिए, उसका रिजल्ट काउंसलिंग कराना है हम लोग को, जो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, साल भर हो गया हम लोग को। क्या मेरिट लिस्ट भी निकले, हम लोग का नाम भी आ गया कि मेरिट लिस्ट भी हो गई कि जो हम लोग को काउंसलिंग कराया जाएगा, और काउंसलिंग के एंड वक्त पर जो डेट भी निकाला गया उसको फिर रद्द कर दिया गया। लगातार इस तरह से सरकार कर रही है, क्या कहें सरकार की, क्या कहें सरकार को, हम लोग अपने धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों की जो हम लोग पर सोचा जाए, विचार किया जाए। नर्स एक अहम कड़ी होता है डॉक्टर्स को लिए, कि डॉक्टर का हेल्प करता है, उसमें आप कह सकते हैं कि हेल्प नहीं मिल रहा है और काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पटना के गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये लोग आए हुए हैं अपने जॉब के लिए। नर्स एक अहम मुद्दा रहता है, अहम पार्ट रहता है डॉक्टर को हेल्प करने के लिए, और आपको जॉब का इस तरह से समस्या झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार हम लोगों को मांगी को पूरा करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग करा करके हम लोग को योगदान देने के लिए ये करें। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि कैसे उग्र हो चुकी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जॉब का वादा करके जॉब हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। नर्स एक अहम कड़ी होती है डॉक्टर्स को हेल्प करने में, और ये खुद पढ़ाई करती है, उसके बाद 10,700 जॉब की बात करने के बाद भी इनको जॉब नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये काफी खपा है। देखना लाजमी रहेगा कि इनकी बात सुनी जाती है या नहीं। बने रहे कशिश न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश।